बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण काम अगर आप करने का प्रयास करें इस समय तो वो महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। नौकरी में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं और धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रही है। अगर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में तमाम तरह की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। महत्वपूर्ण काम अभी 2-4 दिन के लिए रुक सकता है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन की प्राप्ति आपको इस समय सरलता से आसानी से होगी। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रह सकती है, ऐसा जरूर दिख रहा है। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश बढ़ा दीजिएगा। करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होती दिख रही है और इस समय आपकी काफी ज्यादा व्यस्तता भी बनी रहेगी, ऐसा लग रहा है। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें, हनुमान जी की पूजा करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत जितनी करेंगे सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी पुरानी समस्या का हल आपके निकल जाएगा। अगर किसी परीक्षा के रिजल्ट आने वाले हैं तो वो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे इस समय। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखिएगा। परिवार में बेवजह के विवादों से आपको बचना है। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखना होगा। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तुला राशि, घर में आपके शुभ कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर में इस समय कोई मंगल कार्य होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष को सफलता मिलती हुई इस समय आपके लिए दिखाई दे रही है। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे, ये संभावना दिख रही है। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। वाहन और संपत्ति का लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, मंगलकारी होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नौकरी में ट्रांसफर का योग दिखाई दे रहा है इस समय। रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होने वाली हैं और मानसिक चिंताएं इस समय आपकी समाप्त होंगी। आप मन से ज्यादा बेहतर महसूस कर पाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, मानसिक चिंता इस समय थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकती है, मेंटली परेशानी हो सकती है। ऑफिस में बेवजह के तनाव हो सकते हैं और कहना यह है कि धन के लेन देन में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर, यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है। नौकरी में इस समय आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन बेवजह का वहम मत पालिए कि मुझे ये हो रहा है, ये होने वाला है, ये बेवजह की चिंता मत करिए। हनुमान चालीसा का अगर आप एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। हनुमान जी को अगर 2 पत्ते तुलसी के आप अर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।